नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीमा शर्मा की रंगोली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं आज आप लोग के साथ गणेश जी की रेडी रंगोली शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यूज़फुल है ये आज आप लोग के लिए वीडियो, और काफ़ी खूबसूरत भी हो जाएगी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में लेके आ रही हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रेडी रंगोली बनाने के लिए OHB सीट का यूज़ करेंगे। मैंने पहले से गणेश जी A4 साइज़ पेज पर ड्रॉ कर लिया है और उसे मैं अब इस सीट पर ड्रॉ करूँगी। पहले ड्रॉ के ऊपर OHB सीट को रखना है, टेप की सहायता से उसे चिपका लेना है, और उसके बाद किसी मार्कर की सहायता से हमें आउटलाइन कर लेना है। उसके बाद हमें एक फेविकॉल, थोड़ा सा फेविकॉल लेना है कटोरी में, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब एक पतले ब्रश की सहायता से हम अप्लाई करेंगे OHB सीट पर, और आई पर ब्लैक कलर फिल करेंगे। पहले गम लगाना है अच्छे से, फिर उसके ऊपर रंगोली पाउडर फिल करना है। बाकी सभी जगहों पे मैंने येलो कलर फिल किया है गणेश जी को। दो लेयर पे हम काम करेंगे, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर। पहला लेयर पे हम येलो कलर फिल करेंगे, आउटलाइन जैसे आई वगैरह है उसको हम लोग ब्लैक कलर से फिल कर लिया मैंने। सेकेंड लेयर गोल्डन कलर से फिल करेंगे। गोल्डन कलर मैंने बनाने के वीडियोज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बिल्कुल आराम से ड्रॉ के ऊपर गम लगाना है, फिर येलो रंगोली पाउडर फिल करना है और उसे हाथ से टैप करना है। के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसे झाड़ के अलग कर लेना है। और इस तरह से हमारा फर्स्ट लेयर तैयार हो चुका है। चलिए अब सेकंड लेयर पर काम करते हैं। उसके लिए जो गोल्डन कलर जो मैंने बनाई है उसे ही यूज़ करना है, पर ध्यान रखना है कि हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए। सेकेंड लेयर में गोल्डन कलर इसमें हम सेटिंग भी करेंगे, ब्लैक कलर, वाइट रंगोली पाउडर और जो गोल्डन है, ये तीनों कलर से मैं सेटिंग करने वाली हूँ, जहाँ मुझे जैसा ज़रूरत लगेगा। आपको वीडियो ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैं कहाँ कहाँ ब्लैक फिल कर रही हूँ, कहाँ वाइट सेट कर रही हूँ, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से ये काम कर लेते हैं।
तो हमारा सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसे भी सूख जाए तो अच्छे से झाड़ लेना है ताकि एक्स्ट्रा जो रंगोली है वो निकल जाए। और एक्रेलिक कलर में हल्का सा वाटर ऐड करना है और उसके बाद जब ये अच्छे से सूख जाए तो हमें आउटलाइन कर लेना है। आउटलाइन करते ही ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी, आप देख सकते हैं। आउटलाइन हो चुकी है, अब एक्रेलिक येलो से थोड़ा और वाइट से इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे ताकि हमारी जो गणेश जी है और भी खूबसूरत हो जाए। तो आई पर, बॉडी पर ज़्यादा शाइनिंग और रियलिटी लगने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। येलो के बाद उसके ऊपर वाइट से वाइट एक्रेलिक कलर लगाएंगे ताकि वो ज़्यादा शाइन करें। सारी डिटेलिंग करने के बाद हमारे गणेश जी इतनी खूबसूरत लग रही, इतनी प्यारी लग रही है। आप इस रंगोली को आराम से अपने पास रख सकते हैं जब जितने दिन चाहे उतने, और जब भी आपको रंगोली बनाने के मन करे आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ख़राब नहीं होती है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।